वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर। अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर, आपका स्वागत करता हूं। आज हम कोरल ड्रॉ में पढ़ने वाले हैं व्यू के बारे में। व्यू का मतलब क्या है? व्यू मतलब आपको अपने डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीजें देखनी है, वो कैसा दिखेगा, इसके बारे में व्यू में सारे ऑप्शन दिए हुए। सबसे पहले व्यू में सिंपल वायर फ्रेम। सिंपल वायर फ्रेम का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहां कुछ बना लेते हैं, कोई नाम हम लिख देते हैं, रेखा। उसको हम कोई कलर दे देते हैं, इसको थोड़ा इफेक्ट दे देते हैं हम, तो हमने ये जो है ये लिखा हुआ है, तो हमने जो जैसा बनाया वैसा आपको दिखा, राइट। लेकिन अगर हम सिंपल वायर फ्रेम में अगर देखते हैं, सिंपल वायर फ्रेम मतलब जिसमें आपको कोई कलर नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ लाइनिंग दिखेगी, आपने जो कुछ बनाया होगा उसकी सिर्फ लाइनिंग दिखेगी। तो देखिए सिंपल वायर फ्रेम क्या दिखा, आपने जो बनाया सिंपल लाइनिंग दिख रही है। तो सिंपल वायर फ्रेम का मतलब क्या होता है, सिंपल दिखेगा आपको वायर, कोई कलर नहीं, कुछ नहीं, सिंपल। उसके बाद वायर फ्रेम, वायर फ्रेम में जो पीछे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी आपको दिखेंगे। देखिए हमने जो शेडो वेडो दिए दिख रहा है आपको, लेकिन फिर भी लाइनिंग में ही आपको दिखेगा। व्यू ड्राफ्ट, ड्राफ्ट का मतलब क्या है, इसमें सिंपल मैटर दिखेगा, कलर दिखेगा लेकिन सिंपल दिखेगा। देखिए सिंपल कलर दिख रहा है, चलिए। उसके बाद नॉर्मल, नॉर्मल मतलब आपने जो बनाया बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, मतलब ओरिजिनल ही दिखेगा लेकिन कलर में थोड़ा इफेक्ट आएगा। देखिए कलर उतने शार्प है क्या इसमें, नहीं। व्यू इनहांस, इनहांस का मतलब ओरिजिनल, जैसा प्रिंटिंग वगैरह में निकलता ना उस टाइप से, तो और इसमें जो हम काम करते हैं उसी हिसाब से आपको दिखेगा ओरिजिनल, इसमें समझ में। तो व्यू मतलब देखना, वायर फ्रेम, सिंपल वायर फ्रेम, ड्राफ्ट, नॉर्मल, समझ में आप लोगों को, ओके। चलिए अब हम देखते हैं फुल स्क्रीन प्रीव्यू। फुल स्क्रीन प्रीव्यू का मतलब क्या है, एक काम करते हैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं। तो हमारे पास जो मैटर लिखा हुआ है, व्यू में जाते हैं फुल स्क्रीन प्रीव्यू। फुल स्क्रीन प्रीव्यू का मतलब क्या है, आपने जितना कुछ बनाया होगा पूरा स्क्रीन में आपको फुल स्क्रीन में दिखेगा। फुल स्क्रीन प्रीव्यू देखिए दिख रहा है, ओके। तो जितना बनाया होगा आपको पूरा वो दिख जाएगा। उसके बाद प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली, प्रीव्यू सिलेक्टेड ओनली का मतलब क्या है, आपने जो सिलेक्ट किया होगा सिर्फ वही दिखेगा। अभी क्या है, जो हमने देखे वो क्या था, जितना था वो पूरे इसमें दिखेगा। और प्रीव्यू सिलेक्टेड का मतलब जितना सिलेक्ट किया होगा सिर्फ वही दिखेगा। चलिए देखते हैं, रेखा दिख रहा है, सुरेखा का है वो दिख रहा है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि हमने जितना सिलेक्ट किया वही दिखेगा, और प्रीव्यू का मतलब क्या है, पूरा दिखेगा, समझ में आया क्या। फुल स्क्रीन प्रीव्यू का जो शॉर्टकट की है वो F9 है, मतलब आप F9 प्रेस करके भी क्या कर सकते हो, उसको देख सकते। ये समझ में आया। उसके बाद में पेज सॉर्टर व्यू, पेज सॉर्टर का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 10 पेज है, मतलब एक से ज्यादा पेज है, किसी पेज को हमें आगे पीछे लाना है, तो हम कहां से ला सकते हैं, पेज सॉर्टर व्यू से। पेज सॉर्टर में आपको सारे पेज एकदम से दिख जाएंगे जितने भी आपने पेज बनाए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल में देख लेते हैं, एक और हम पेज ले लेते, प्लस पर क्लिक करेंगे एक और पेज आ जाएगा, पेज 1 का मैटर हम पेज 2 में ले लेते कुछ, पेज 2। तो भाई हमारे पास 2 पेज है, अब 2 पेज को हमें एक साथ देखना है, तो क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, पेज सॉर्टर व्यू पर क्लिक करेंगे, क्या हो गया, देखिए दोनों पेज एक साथ। अगर आपको किसी पेज को आगे पीछे लाना है तो पकड़िए उसको, मूव क्लिक करके मूव कर दीजिए, सरका दीजिए, ड्रैग कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, वो पेज आप इधर के उधर मूव करता, समझ में आया। तो इस तरह से आपका पेज सॉर्टर व्यू है।
अब जिसको आपको बड़े इसमें देखना है उस पर डबल क्लिक करेंगे तब भी आपका नॉर्मल में आ जाएगा। चलिए समझ में आया पेज सॉर्टर। उसके बाद में व्यू रूलर लाइन, रूलर का मतलब क्या, देखिए ये रूलर लाइन आपको दिख रही है, दिख रही है क्योंकि यहां क्लिक है मतलब चेक है, मुझे नहीं चाहिए तो निकाल दीजिए, देखिए गायब हो गई। व्यू चाहिए तो यहां क्लिक कीजिए, आ गया, देखिए रूलर लाइन आ गई, समझे। इसी तरह से यहां से आपको जो चीजें चाहिए वो क्लिक कीजिए आ जाएगी, क्लिक कीजिए चले जाएगी, समझ में आया। उसके बाद ग्रिड, ग्रिड का मतलब क्या होता है, ये सब आपको ग्रिड दिख रहा है, ओके। ये ग्रिड जो है आप कोई सेटिंग करते हो या कोई डिजाइन बनाते हो, ग्राफिक्स बनाते हो, उसके लिए काम में आता है ग्रिड। तो ये चीज आपको दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, तो व्यू में जाएंगे, अगर नहीं दिखनी चाहिए तो निकाल दीजिए, दिखनी चाहिए तो क्लिक कीजिए आ जाएगा। उसके बाद में ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन का मतलब गाइडलाइन, गाइडलाइन का मतलब क्या है, हम जो रूलर लाइन से खींचते हैं ना गाइडलाइन, ये देखिए, तो ये दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, नहीं दिखनी चाहिए तो क्या करेंगे, अभी दिख रही है आपको क्योंकि यह क्लिक है चेक है, मुझे नहीं दिखनी चाहिए तो क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो निकल जाएगी। चलिए उसके बाद में शो, शो का मतलब आपको क्या क्या चीजें दिखनी चाहिए, जैसे पेज बॉर्डर, देखिए पेज की बॉर्डर आपको दिख रही है क्या, नहीं दिखनी चाहिए तो क्या करेंगे, निकाल दीजिए पेज बॉर्डर, देखिए निकल गई, नहीं मुझे तो चाहिए, क्या करेंगे व्यू में जाएंगे, शो करेंगे और पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, पेज बॉर्डर ला सकते, व्यू शो, मुझे ब्लीड चाहिए, देखो ये आई कि ब्लीड आई, डॉट डॉट लाइन आई जिसमें आपको दिखेगा आप कहां तक बना सकते हो। व्यू शो ब्लीड समझे, प्रिंटेबल एरिया, प्रिंटेबल मतलब कहां तक आप प्रिंट निकाल सकते हो, ये अगर आपको देखना है तो क्या करेंगे, प्रिंटेबल एरिया पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि भाई आप जो है इस लाइन तक क्या कर सकते हो, बना के प्रिंट निकाल सकते हो, इसके बाहर आप अगर बनाओगे तो प्रिंट में नहीं निकलेगा, समझ में आया। चलिए नहीं चाहिए निकाल दीजिए, मतलब नहीं दिखना चाहिए तो निकाल दीजिए, तो समझ में आया। उसके बाद स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू ग्रिड का मतलब मालूम है आप लोगों को, बताया था जब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो जब उसको मूव करते हैं तो क्या होता है, ग्रिड के हिसाब से मूव होता है वो। चलिए देखते हैं हम, कोई बात नहीं, पहले ग्रिड में शुरू कर लेता हूं, तो ये मैंने ग्रिड शुरू कर लिया, बराबर है। अब जब इस ऑब्जेक्ट को देखिए, ये एक ग्रिड, ये सेकेंड ग्रिड, ये थर्ड ग्रिड, मतलब इस टाइप से है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूं तो देखिए ये इजीली मूव हो रहा है क्या, कि एकदम यहां से एकदम यहां फिक्स हो रहा है एकदम, ऐसा नहीं, इजीली मूव हो रहा है। मुझे लगता है कि ये ग्रिड के हिसाब से मूव होना चाहिए, मतलब जैसे यहां लाया फिक्स, यहां लाया फिक्स, यहां लाया फिक्स हो जाना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा, स्नैप टू ग्रिड करना पड़ेगा। अब देखते हैं, क्लिक करता हूं, देखिए फिक्स हो गया, देखिए जैसे मैं ये मेरा कर्सर, देखिए ये कर्सर जैसे मैं यहां लाता हूं, देखो फिक्स हो रहा है, वहां फिक्स हो रहा है, देखिए पॉइंट आ रहा है कि पॉइंट, तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने स्नैप टू ग्रिड पर क्लिक किया हुआ है, मतलब उस ऑप्शन को शुरू किया हुआ है, तो इससे जो सेटिंग है वो परफेक्ट होगी, बराबर मेजरमेंट में आएगी, उसके लिए स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन शुरू किया जाता है, समझ में आया क्या, नहीं, चलिए ओके, मुझे नहीं चाहिए तो स्नैप टू ग्रिड निकाल देंगे। अब हम करते हैं ग्रिड भी निकाल देते हैं, यहां से ग्रिड निकाल देंगे। अब देखिए मैं मूव करता हूं, आ रहा है कोई नाम वाम आ रहा है, नहीं, क्योंकि अब मैंने स्नैप टू ग्रिड और ग्रिड निकाल दिया। चलिए उसके बाद व्यू में जाएंगे, स्नैप टू गाइडलाइन, स्नैप टू गाइडलाइन मतलब जैसे मुझे अभी क्या करना है, ये जो गाइडलाइन है मुझे ये ऑब्जेक्ट वहां फिट होना चाहिए, बराबर है। अभी देखते हैं हम, यहां क्लिक करेंगे, कोई फिट हो रहा है नहीं, इजीली मूव हो रहा है, देखिए आराम से हो रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि जैसे मैंने यहां कर्सर लाके फट से फिट होना चाहिए वहां, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा, स्नैप टू गाइडलाइन क्लिक करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम, अब देखिए जैसे मैं यहां लाता हूं फट से कर्सर मेरा वहां, देखिए आया, आया क्या, तो इस तरह से हम स्नैप टू गाइड भी कर सकते हैं, तो गाइडलाइन में फिक्स हो जाएगा, मेजरमेंट के लिए है, परफेक्ट शेप बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्यू स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू ऑब्जेक्ट मतलब, अच्छा ये नहीं चाहिए निकाल दीजिए, स्नैप टू ऑब्जेक्ट मतलब इसके बाजू में यहां कोई सर्कल बॉक्स ये वो है,
डायरेक्ट जब मैं खींचू तो वो बॉक्स सर्कल जो है ऑब्जेक्ट उसमें फिट हो जाना चाहिए, तो उसके लिए स्नैप टू ऑब्जेक्ट करते हैं, समझे। जैसे हमें एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखना है तो बराबर लाने के लिए बहुत मेहनत लगती है ना, एकदम बिल्कुल देखना पड़ता है बारीक बारीक। स्नैप टू ऑब्जेक्ट कर लीजिए, मूव कीजिए, फट से फिट हो जाएगा। समझ में आया? नहीं, चलिए देखते हम इसको डिलीट करते हैं। ये बॉक्स हम लेते हैं। अब ये जो बॉक्स है मुझे क्या करना है, इसके ऊपर बराबर फिट करना है। तो फिट करने के लिए कैसा, थोड़ा मुश्किल जाती है लाइन टू लाइन फिट करने के लिए, जाता कि नहीं। तो उसके लिए अगर हम क्या करेंगे, स्नैप टू ऑब्जेक्ट पर अगर क्लिक करते हैं तो जब हम यहां फिट करेंगे, देखो फिट हो गया, डायरेक्ट आ रहा है, हो गया फिट हो गया, तो ये मुश्किल नहीं जाती स्नैप टू ऑब्जेक्ट। समझ में आया? ओके। उसके बाद में है डायनेमिक गाइड। डायनेमिक गाइड का मतलब क्या है, जब हम किसी भी चीज को कहीं फिक्स करते हैं, मूव करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसने बताना चाहिए कि ये मिडल है, ये पैरेलल है, ये डायगोनल है, मतलब मेजरमेंट उसने बताना चाहिए कि कहां फिट कर सकते हो। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, डायनेमिक गाइड पर क्लिक करेंगे। देखिए वो बता रहा है गाइड कि देखिए आपने ये बिल्कुल ऐसा पैरेलल आएगा, देखिए बता रहा है, मतलब यहां बराबर रख सकते हो ऐसे डायगोनल का, ये पॉइंट और ये सेंटर मिल जाएगा। नहीं मुझे इसके सेंटर में रखना है, तो यहां क्लिक कीजिए, देखो आया, मुझे इस टाइप से चाहिए, कहां रखना है ये आया। तो इस तरह से आप बराबर फिक्स उसको मेजरमेंट पर रख सकते हैं। इसके लिए आपको गिनने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट स्नैप टू डायनेमिक गाइड कीजिए। डायनेमिक मतलब वो खुद ही लाइन आपको बताएगा और आप जब रखोगे तो वहां फिट हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। समझ में आया? देखिए ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, उसको फिक्स कर सकते हो, और अगर हमें नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, निकाल दें। आए ध्यान में? तो चलिए आज के लिए इतना ठीक है, बाकी का हम बाद में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि अगली वीडियो आपको डायरेक्ट दिखे। और अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।